दोस्तों अगर आप भी रुपए क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी मर्चेंट को यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको आज की डेट में मिलता कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, लाइक अगर आप 50 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हो किसी भी दुकान से, कोई भी किराना का स्टोर है, कोई भी आपका जनरल स्टोर है, अगर आप 50 रुपए का सामान खरीद रहे हो और अपने रुपए क्रेडिट कार्ड का यूज करके 50 रुपए का पेमेंट कर रहे हो तो आपको आज की डेट में कुछ नहीं मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आप यूज कर रहे हो पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे, और उसमें आपका रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको मिल कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसके अंदर ना तो मैं फोन पे का रिव्यू करूंगा, ना पेटीएम का, ना गूगल पे का, ना अमेजोन पे का, किसी का भी नहीं। मैं एक नया एप्लीकेशन लेकर के आया हूं। उस एप्लीकेशन में सिर्फ करना यह है कि आपको अपना रुपए क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेना है, ठीक है, और बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। आपको दुकान में जाना है, सामान खरीदना है और उस ऐप के थ्रू स्कैन पे करना है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 2 दिनों से इस ऐप का यूज कर रहा हूं, यानी कल और आज, ठीक है। कल जब मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया था तो मैं 33 रुपीज का अमूल का दूध मैंने परचेज किया, 33 रुपए का दूध था। मैंने ऐप का यूज किया, रुपए कार्ड से पेमेंट किया, कटे मेरे 33 रुपए ही, लेकिन 10 रुपए वो पूरा का पूरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी कि मेरे को दूध पड़ा सिर्फ 23 रुपए का, 10 रुपए पूरा पूरा कैशबैक। मॉर्निंग में कल मैंने किया था, फिर कल इवनिंग में किया, फिर से मुझे 10 रुपए कैशबैक मिला, ठीक है। अमाउंट कितना था? 33 रुपए का ट्रांजेक्शन 2 बार मैंने किया था, एक बार सुबह एक बार शाम में, तो मेरा 20 रुपए का सेविंग हो गया कल की डेट में। फिर आज मैंने 200 रुपए का फ्यूल डलवाया तो फिर मेरे को 10 रुपए कैशबैक मिल गया। अभी मैंने बाहर जाके मैंने कुछ खाना खाया, 120 रुपीज का मैंने पेमेंट किया तो फिर से मुझे 10 रुपए पेमेंट मिल गया। और ये जो सारा पैसा जो आपको कैशबैक मिल रहा है, ये डायरेक्ट सीधा आपके अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। पूरा का पूरा कैशबैक डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो वीडियो जो है ना काफी मतलब कि यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको पूरा नाम बताता हूं। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है कीवी ऐप, और इस ऐप के डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाइए जाकर के ऐप को डाउनलोड कीजिए, सिंपल अपना जो भी आपका रुपए क्रेडिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे अपना अकाउंट बनाइए और अपना रुपए कार्ड को अपना यूज कीजिए, कहीं भी शॉप में अपना स्कैन पे कीजिए और अपना पैसा बचाइए। क्योंकि जो भी आपको कैशबैक मिलने वाला है, मिनिमम ट्रांजेक्शन अगर 10 रुपए से भी कर रहे हो ना, तो 10 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा और वो पैसा सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। तो पूरा सब कुछ मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया हुआ है, तो पूरा वीडियो को देखोगे लास्ट तक तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कीवी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए और अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। मैंने कल वीडियो बनाया हुआ है, कल की डेट में अगर आप जाओगे तो मेरा कीवी ऐप क्या है, कैसे यूज करना है, वो सारा कुछ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल पे भी जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है, पैसा ढेर सारा बच रहा है, हर यूपीआई ट्रांजेक्शन में आपका पैसा बच रहा है। तो ऐप को यूज कीजिए, मार्केट में नया आया है और ये वीडियो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं डाला है, तो जाइए जाकर के फटाफट डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।